तो फिर स्टार्ट करो इंट्रो। स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे YouTube चैनल पर, जहां मिलती है सिर्फ और सिर्फ बकचोदियां और क्या नहीं मिलता है, एड्स, एड्स एड ब्रेक। तो फिर बिना किसी समस्या के आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए तो आइए हमारे चैनल पर और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ बकचोदियां, ओनली ऑन आवर चैनल। तो तो आज का टॉपिक क्या है भाई? डीट? आज का टॉपिक है डीट। क्या डीट? हम लोग भी डीट। और टीजर आया है हनीफा जी का, 3.0 का। हनी 3.0 का डीट। अब आजकल टीजर कुछ ज्यादा नहीं आ रहे हैं, टीजर जब से हम लोग इस बिजनेस में आए ज्यादा ही आ रहे हैं, ज्यादा गाने ज्यादा टीजर देख रहे हैं, मिल रहे हैं। टीजर मिल रहे हैं। सोचा था गाने देखेंगे लेकिन चलो कोई नहीं, जब गाने नहीं तो टीजर ही सही। टीजर ही सही। तो हनीफा जी डीट निकाल रहे हैं। वैसे तो ये जी म्यूजिक के साथ आ रहा है, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन में रखूंगा नहीं, क्योंकि तो सारे गाने उनके जी म्यूजिक के साथ ही आ रहे हैं। सारे गाने मतलब हाँ अभी तो सारे कला साथ, स्टार तो खुद के उस पर डाला ना उसने, काला वो भी जी जी के साथ म्यूजिक ही के है साथ। सारा। ठीक है, तो ढीठ वो अब देखते हैं क्या सीन रहेगा। टीजर में तो म्यूजिक के बारे में बता जाएगा, अगर कुछ लफ्ज निकाल दिए मुंह से तो अच्छी बात है। चलो फिर जल्दी सुन के, इसको जल्दी खत्म स्टार्ट करते करते हैं। हैं यहाँ पे हम लोग टीजर, 38 सेकंड का टीजर। और ये टीजर हमारा सिंगार। नवंबर 15, नवंबर 15। नवंबर 15 को आ रहा है तो इतना टीजर में कुछ ज्यादा समझ नहीं पाए हम लोग, लेकिन यार जो 3 बीट आ रही है तो ठीक सी लग रही है। उनके पास एक कार कोई भी है। बीट एक ढंग की ड्रॉप करता ना तो और अच्छा लगता। जैसे हाँ बोनस लास्ट साथ उसने में, म्यूजिक एमवे का बनाया, वो हम लोगों ने देखा ना, हाँ वो वो अच्छा अच्छा था। था उसमें वो। म्यूजिक एक टाइम पे इतना कैची हो गया था कि लग रहा था कि हाँ आगे म्यूजिक अच्छा ही मिलेगा। इसमें उसने सिर्फ एक स्टार्टिंग का जो भी था कॉर्ड्स दे हाँ दिए और लौंडियाबाजी दिखा दी है। अट्रैक्शन पॉइंट उसने दे दिया है एट द एंड। एक ये तो आप देख ही सकते हो, गाड़ी वाले गाड़ी देख लें, गाड़ी वाले गाड़ी देख लें, सब देख लें अपने अपने हिसाब से। हाँ अब लेकिन यार रानी पाजी यार दाढ़ी सफेद करके क्यों आ रहा है यार? वो ब्लैक कर सकते हैं उसको, स्टाइल तरीका। अब अपनी एज डिनोट कर रहे हैं अगर कि यार आप हम लोग नहीं असर करना चाह रहे हैं, अपने हम लोग तो से डायट फैन टोन है ना ला रहे उनके। हैं। वी आर डायट फैन ना भाई, क्या हाँ करें हम लोग तो भाई। आज वो चीज हनी ढूंढ रहे जो हनी पहले था हम लोग के एक सामने। काम करते ना, निकलते हैं तलाश में, पकड़ के रंग देते हैं साले को कि तुम मैं तो इसीलिए नहीं तुम्हारे गाने अच्छे बने, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई है, गाली करो इसको। एक लुक के मामले में हनी सिंह मतलब अच्छा माना जाता था भाई, लोग हाँ लोग भाई, फॉलो करते थे अरे उस लोग। तो ऐसा कौन सा सलून था जिसके आगे इसकी फोटो नहीं लगी रहती थी। भाई आड़ी ना वाले बाल काट दो ना भाई की बातचीत अलग थी यार। मगर प्रैक्टिकल नहीं थे वो बाल, प्रैक्टिकल क्या होता है यार, मतलब रियल बाल लाइफ में कोई काट लगा के घूमेगा तो हनी वाले बाल कटवाने वाले जूता मारते थे कि यार कटवा गया है। नहीं स्कूल में सिर्फ करते ना वो टीचर्स स्कूल, अब हम लोग टाइम लाइव भी निकलने दर्शन थी। वाले अब अगर भाई अब हमारे कॉलेज में एक लौंडा करवा के आया था, पूरे तो साइड के उड़वा के ऊपर के रखा था। वो एंट्री किया ऐसे कि मस्त, और थोड़ी देर बैठा हुआ कि लौंडे के पास जा जाके इधर कॉलेज टाइम तक तो इधर। हनी सिंह का जमाना चला गया था भाई, हाँ बट उसने बाल कटवाए बॉस थे था उसने। ना उनके। लेकिन ये कि बड़े शहर मतलब ना मुंबई दिल्ली अली में चलता होगा, कोई दिक्कत नहीं होती होगी इतनी मेरे ख्याल से। कॉलेज उस टाइम कॉलेज लोग बॉयज स्कूल होगी। लगते होंगे लोग और क्या, ब्लड चलो तो फिर फॉलो होते ही है। तो हटाओ फिर, तुक्का लगाते हैं, मैं भी तो रखती हूँ नहीं जैसे। क्यों सही तो है, तुक्का लगाते हैं कि गाना लगा कैसा दिया। होगा, म्यूजिक कैसा होगा। अभी तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, इसको देख के जज कर पाऊंगा ऐसा नहीं, अब तुक्के पे ही बात होगी। तो मेरे हिसाब से तो ये गाना झाटू होगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा ये गाना, क्योंकि मैं पुरानी वाइब ढूंढता हूँ और वो वाइब इसने कुल्ले में दी थी, क्योंकि इसने अपने पुराने दोस्त कुल्ले के साथ कुल्ले बनाया था। हाँ कुल्ले वाले में दी थी, कला स्टार में थोड़ा बहुत वाइब आया था। इसमें देखते हैं 3.0 का ये भी गाना तो है। अब 2-4 दिन की बात है, सुन लेंगे। प्रॉपर अभी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि झाटू गाना होगा, रिएक्शन तभी आपको दे पाएंगे उस पे हम लोग। मगर मैं तो तुक्का दूंगा कि झाटू गाना होगा तीसरी बार। तुम्हारा लोगा क्या है बताओ तो भाई, कुछ तो बताओ, रिएक्शन फिर किस बात का होगा जब तुम लोग डिनोट ही नहीं कर रहे हो कुछ। मुझे इतना मजा नहीं आया भाई, देखते हैं क्या आता है मैं तो क्या समझ नहीं ही नहीं आता। पाया कुछ, वैसे ही वो तो मेरा भी तीनों का कुछ सीन है, वैसे बाकी ही हनी मेरा पाजी भी के तुम कभी वैसे बोलते नहीं कि झाटू बनाते, झाटू क्यों है ना, ना। मगर कभी गाने भी बजते नहीं सुने मैंने इसके पास नहीं के। क्यों नहीं सुनते हैं? पुराने नहीं मैंने गाने सुनता हूँ मैं, पुराने गुल्ले गाने सुनता है ना मैंने गुल्ले भाई। सुनता हूँ, हम लोग यहाँ पे रिएक्ट नया गाना कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे तो ना, गाने पूरा तो ही अलग गाना। हम रिएक्ट करेंगे। गाइस टीजर है डालना है कि नहीं कैसे पता चलेगा तुमको। लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। एट द एंड
हम लोगों ने ऐसा बोला था कि हम हाइप चेक करते हैं, एनीवे की हाइप तो है, एनीवे की हाइप अच्छी है। अच्छी खासी है, बंटा है कि पब्लिक ने जो वहां पे सपोर्ट दिखाया है, अभी तो फेवर में बोला, इसलिए जिस दिन उसको रगड़ा हमने उस दिन हम देखेंगे कि कैसी हाइप है उसकी, फिर हम लोग हाइपर ना हो जाए। और अब यूयो पाजी की हाइप का टाइम है, देखते हैं कितने लोग अभी भी लेके बैठे हैं। बस मुंह से ही बोलते हैं है भी कुछ भाई, हम तो बोलते हैं हम तो सिर्फ क्या है वो तुम लोग डिसाइड कर लेना, बाकी आज के लिए इतना ही। नहीं वो डिसाइड मत करो, तुम लोग क्या है क्या नहीं है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, तुम लोग क्या है। चलो फिर तो फिर आज के लिए इतना ही, सायोनारा। बोलो सुबह की श्री।